सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढोंडुआ में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, यदि कोई वोटर अपनी वोट किसी दूसरे एसी से शिफ्ट करके आपकी बूथ में, आपके एसी में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो उसका पता आपको कैसे लगेगा कि ये वोट ट्रांसफ़र की गई है या माइग्रेशन होके आई है। ये नया ऑप्शन फॉर्म नंबर 8 में ऐड हुआ है। उसकी चेकलिस्ट को बीएलओ साथी ने किस प्रकार से वेरीफाई करना है, हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें व अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। आपको अपना गरुड़ा ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद डेस्कटॉप आप देख रहे हैं, आपके सामने ऐसे शो होगा। वर्जन ज़रूर चेक कर लें, लेटेस्ट वर्जन जो भी अपडेट हो वो अपने प्ले स्टोर से अपडेट कर लें। तो साथियों, चेकलिस्ट शो कहाँ होती है आप देख रहे हैं, टोटल फॉर्म्स रिक्वेस्ट, यानी मेरे पास जो टोटल फॉर्मों की रिक्वेस्ट आई हुई है वो 5 आई हुई है। उसके अलावा किस किस टाइप के फॉर्म है वो भी आप गरुड़ ऐप पर देख सकते हैं। फॉर्म 60 है, फॉर्म 73 है और फॉर्म 82 है। उसके अलावा साथियों, इसी के नीचे दो बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें एक बॉक्स में ग्रीन कलर में लिखा हुआ है व दूसरे बॉक्स में रेड कलर में लिखा हुआ है। यानी एक बॉक्स में जो फॉर्म 7 से कम है, जिनका टाइम हो गया है आपके चेकलिस्ट में, वो है दूसरे साइड में रेड कलर के, यानी 7 से ज़्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना साथियों, कोई भी फार्म आपके पोर्टल पर 7 से ज़्यादा न रहे, उसको प्रोसेस आपको टाइमली कर देना है। तो साथियों, आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके टोटल फॉर्म आपके पास शो हो जाते हैं, जो आपके लिए चेकलिस्ट वेरीफाई करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको फॉर्म नंबर 8 शिफ्ट केस में बताने वाला हूँ। तो मेरा जो फॉर्म है शिफ्ट केस वाला, वो मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले साथियों, मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि कौन सा फार्म क्या पहचान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप किसी शिफ्टेड व्यक्ति की डिटेल चेकलिस्ट वेरीफाई के लिए जाएंगे, माइग्रेशन जिसकी फार्म होके आया है, होने के लिए आया है, तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो साथियों, ये आप फार्म देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ लिखा हुआ है इलेक्टर मॉडिफाइड डिटेल, उसी के नीचे रेड कलर में एक मैसेज शो हो रहा है, माइग्रेशन केस अक्रॉस एसी, यानी आपकी एसी से बाहर का कोई माइग्रेशन केस है जो आपको वेरीफाई करना है। तो साथियों, ये बिल्कुल आप चेक कर लें, यहाँ पर आपको शो होगा कि ये माइग्रेशन का केस है। तो इसको प्रोसेस कैसे करना वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको मतदाता की फ़ोटो चेक कर लेनी है, बेसिक डिटेल चेक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ जो कोने में पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक कर दें। हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, तहसील अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद यदि कोई करेक्शन है तो उसमें आप एंट्री कर दीजिए, नहीं है तो आप उसे इस क्रॉस के बटन से वापस ठीक कर सकते हैं। तो मेरी डिटेल सही है, यदि नहीं होती तो साथियों यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं वो करके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट दोबारा से आपको अटैच करना होता है, क्योंकि आप पहले वाली डिटेल से सहमत नहीं हो, और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे जो बॉक्स है उसमें आपने अपलोड कर देना है। अब मेरी डिटेल सही है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर आपको लिए चलता हूँ। उसके बाद साथियों, यहाँ पर आपको यदि आपकी डिटेल सही है, सेम है, तो सेम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इन्फॉर्मेशन में जो ऑप्शन है वहाँ पर ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, यानी जब भी एलो विजिट पे गए तो क्या मतदाता आपको अवेलेबल मिला है, अब्सेंट तो नहीं है, शिफ्ट तो नहीं हो गया है, उनकी डेथ तो नहीं हो गई है, या नो सर पर्सन आपको मालूम नहीं चला हो। उसके बाद इन ऑप्शनों में से आपको सेलेक्ट करके
जैसे अवेलेबल पे क्लिक कर दिया हमने और नीचे जो ऑप्शन है अबो डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, इस बटन पर क्लिक कर देना है। और साथियों सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ टाइप क्या करना है रिमार्क्स में, बहुत सारे भी येलो साथी केवल ओके टाइप करके और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं चेकलिस्ट को। तो साथियों अच्छा यही रहेगा आप इंग्लिश में टाइप करें और क्या टाइप करना वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ टाइप कर, ताकि आपकी जो फील्ड विजिट हुई है, आपने जो फील्ड विजिट की है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन ज़रूर कर दें ताकि फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में आसानी हो। आपको टाइप करना है एक्सेप्ट वोटर, उसके बाद वोटर का नाम, जैसे काल्पनिक तौर से मैं आपको बता देता हूँ नरेश, फील्ड वेरीफाइड बाई BLO, उसके बाद बूथ नंबर एक जैसे ये मैंने लिख दिया है, किस डेट को आपने फील्ड विजिट की वो भी आप ज़रूर मेंशन कर दें। उसके बाद साथियों आपको नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ऑप्शन आता है डू यू वांट टू प्रोसीड विद फॉर्म सबमिशन, उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने मैसेज आ जाता है योर चेकलिस्ट इज वेरीफाइड बाई BLO या सबमिटेड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों जो मैसेज आता है वो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फॉर्म चेकलिस्ट सबमिटेड। ठीक है साथियों, यहाँ से आपका प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि कोई फॉर्म में आपको कमी लगी हो वीडियो में तो कमेंट करें, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।